हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया वास्तु 111। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के बज रहे हैं, 5:05 हो रहे हैं ना, और अभी हम लोग देखे 17 चंदूसी, ये देखिए 17 फरवरी चंदूसी स्टेशन में अभी राइट नाउ हम लोग हैं। और आज 17 फरवरी है, और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? देहरादून। आज हम जा रहे हैं देहरादून। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज इनका इंटरव्यू है। तो सुबह घर से उठ के, मतलब रात को लाइट वाइट नहीं थी, तो इस वजह से मैं वहाँ का क्लिप नहीं बना पाई। तभी राइट ना हम लोग स्टेशन पे, यहाँ से ट्रेन हमारी आ रही है, तो हम लोग चलते हैं। बने रहिए, देखिए अनाउंसमेंट भी हो गया। चलिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और ये मेरे हस्बैंड, और ट्रेन अभी चलने वाली है कुछ देर में स्टेशन से, चंदूसी स्टेशन से। मैं आपको दिखाती हूँ बैक में से, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और फ्रेंड्स अभी 12:30 बज रहे हैं, और हम लोग फाइनली देहरादून में पहुँच चुके हैं। और ये देखिए हस्बैंड अभी फ्रेश हो रहे हैं, फ्रेश होकर मुंह साफ कर रहे हैं, और यही ट्रेन है, इसी ट्रेन से आए थे हम लोग। ये देखिए, मैं आपको देहरादून स्टेशन एक बार प्लेटफॉर्म दिखाती हूँ एक बार बैक कैमरे से। ये फ्रेंड्स देहरादून, और ये देखिए मेरे हस्बैंड, और ये देखिए प्लेटफॉर्म, और ये देखिए ट्रेन, इसी ट्रेन से हम लोग आए थे। और आज का मौसम भी देखिए अच्छा है, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा सर्दी, क्या कहते हैं? चलिए चलो, चलिए अब हम लोग चलते हैं, आप ब्लॉग पे बने रहिए। लोग कॉलेज में जाने से पहले देखिए बहुत भूख लगी थी, तो हम लोग नाश्ता मैंने कर लिया, अब मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, ये देखिए छोले भटूरे। और हम लोग अभी बस स्टॉप में हैं, यहाँ से बस पकड़ेंगे, और कहाँ राज, पता नहीं कुछ राजघर जैसा कुछ नाम है, उस जगह पर जाना है। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहिएगा, ये देखिए। हम अभी कॉलेज के लिए निकल चुके हैं, और अभी क्या हो जाते हैं, अभी हम लोग कॉलेज के लिए निकल चुके हैं, बाकी हम लोग कॉलेज तक पहुँच के आप लोग को देखते हो कैसा क्या सिचुएशन रहेगा, उस हिसाब से मैं एडिट वीडियो बनाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं बैक कैमरे से यहाँ का थोड़ा सा ना रोड दिखाती हूँ आपको। ये देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड कह रहे हैं, हाँ उत्तराखंड में ही तो पड़ता है देहरादून। ये देखिए देहरादून का रोड, ये कॉलेज है। फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड जो है इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, और मैं यहाँ कॉलेज कैंटीन में वेट कर रही हूँ। मैंने कहा कि आप इंटरव्यू दे आइए, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। तो ये देखिए आप कैंटीन में वेट कर रही हूँ, वो रहा कैंटीन। तो आई एम जस्ट वेटिंग हियर, देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, देखें क्या होता है, किसका लक है, बाकी हम लोग ट्राई करते रहेंगे। फ्रेंड्स इंटरव्यू देते थे, काफ़ी समय हो गया, अभी 7:30 बजे हम लोग देखिए होटल में खाना खा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। हस्बैंड और मैं यहाँ पर होटल में खाना खा रहे हैं, देखिए। सो फ्रेंड्स, खाना वाना खाने के बाद अब हम स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, और हमें पता लगता है कि हमारी ट्रेन जो है, जो 9:45 में थी, अब वो कितने बजे है जी? रात को 1 बजे रात को है। तब पता नहीं, तब तक क्या करेंगे, तब तक घूमते हैं। देखिए स्टेशन, ये देखिए एक ये ट्रेन खड़ी है, ये तो दिल्ली जाएगी। तो अभी हम लोग ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, क्या करेंगे। आप लोगों ने डिनर कर लिया? भाई हमने तो कर लिया, तो आराम से डिनर विनर कीजिए, मिलते हैं ट्रेन आने के बाद।
देखिए खाना खाने के बाद इतनी ठंड में अभी रात को 10:15 10 बजे रात को हम मुझे यहाँ पे चाय पी प्लेटफॉर्म के बाहर। ये देखिए मेरा चाय पड़ा हुआ है, सही नहीं है ये देखिए कैसे भीड़ है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ट्रेन आ चुकी है और इतनी भीड़ है, पर टेंशन नहीं है, हमारी सीट तो रिजर्व है। कि कौन सा नंबर है? S2 73 74 में। चलिए ट्रेन हमारी आ चुकी है, ट्रेन में बैठ लेते हैं फिर बात करते हैं। बहुत भीड़ है ये देखिए। हाँ तो आगे चलिए, हमारी ट्रेन आ चुकी है और अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, हमारी सीट भी हमें मिल गई है। ये देखिए हस्बैंड, और मुझे इनका नहीं पता लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं फिलहाल तो सोऊंगी, ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ, ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी। अब वो आदमी मिला उसके साथ बना लेते। हाँ वो अचानक से ही हो गया ना, एक्चुअली क्या है ना, अभी प्लेटफॉर्म पे एक हमारे फ्रेंड मिले तो वो बड़े खुश हुए हमसे आके मिले, हमें शादी की बधाइयाँ दी। वीडियो देख भी सकते हैं। हाँ वो हमारे वीडियो देखते हैं तो भैया जी सॉरी, उस वक्त दिमाग में नहीं आया, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो दिमाग में नहीं आया कि उस वक्त मैं क्लिप बना लूँ, क्योंकि मैं नींद के मारे ना बहुत परेशान थी, क्योंकि कल रात भी नींद नहीं हुई, सुबह ही उठना पड़ा हमें 3 बजे और उठ के तैयार वैयार होके हमें निकलना पड़ा आज सुबह सॉरी, और फिर अभी हम देर रात तक भी जगे हुए हैं तो नींद हमारी हुई नहीं है, तो इसलिए मेरे दिमाग में आए नहीं, बट आप मिले उसके लिए थैंक यू। और क्या करेंगे, कोलकाता के रहने वाले थे ना? हाँ कोलकाता के रहने वाले थे, कोलकाता से बिलोंग करते हैं पर रहते यहीं पे हैं, रहने वाले थे कोलकाता के लेकिन हाँ अभी यहीं रहते हैं। 2002 में वो बता रहे थे कि वो यहीं शिफ्ट हुए, वैसे वो कोलकाता हावड़ा से हैं तो उनका नाम भी हम पूछना भूल गए। हाँ उनका नाम भी पूछना भूल गए, आप तो पूछ ले गए बात करने लगे। ये तो अचानक से आ गया और एकदम से पीछे से आके उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कैसे हो आप, तो मुझे लगा कि शायद हस्बैंड को जानते होंगे, तो एक्चुअली उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन खुद दिया कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, तो हम भी बातों में लग गए और इसी बीच ट्रेन आ गई। हाँ तो हड़बड़ी में हम लोग ने फटाफट उनसे बात खत्म करके हम ट्रेन पे उठ गए और वो चले गए हमें छोड़ के। तो अभी का ये ब्लॉग ना अभी क्योंकि 11 बज चुका है, अभी का ब्लॉग में यही पे एंड कर देती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग मैं मुरादाबाद जाऊँगी तो वहाँ से स्टार्ट करूँगी, तो ये ब्लॉग यही पे एंड करते हैं फिलहाल के लिए, गुड नाइट। आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन फर्स्ट प्रेस करते जाइएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे आप लोग, फिर मिलते हैं, जय माता दी, बाय।